हेलो फ्रेंड्स, मैं निकत परवीन खान कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे राजव्यवस्था के एफटीआर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का ये जो सेशन होगा ये संवैधानिक निकायों पर आधारित होगा। संवैधानिक निकाय पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी कम इसलिए रखी गई है क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस की संख्या आज की क्लास में ज़्यादा होगी, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन में उस निकाय के बारे में काफ़ी सारी बातें पता चल जाएंगी या एक ही क्वेश्चन के जरिए कई और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक, संवैधानिक निकाय का मतलब संविधान के तहत जो जो पद सृजित किए गए हैं केंद्रीय राज्य स्तर पर, महत्वपूर्ण पद जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, और संविधान के तहत जो जो संगठन बनाए गए हैं, जो जो निकाय यानी कि इकाइयाँ बनाई गई हैं, जैसे कि निर्वाचन आयोग, जैसे कि UPSC एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी मैं सबके नाम नहीं बताऊंगी कि एक प्रश्न उसी से संबंधित है, आपको पहचानना होगा कि कौन सा संवैधानिक इकाई है कौन सा नहीं है। ठीक, और जो लास्ट लाइव सेशन हुआ था उसमें आप लोगों का इंटरेस्ट और रिस्पॉन्स देखने के बाद हमने डिसाइड किया है कि इसके बाद का जो आपका सेशन होगा यानी कल की जो क्लास होगी 6 PM वो भी लाइव होगी। आपके शेड्यूल में वैसे तो लाइव सेशन परसों रखा गया है, मतलब ये कि जो कल का टॉपिक है जिसमें हम आपातकाल संवैधानिक संशोधन के ऊपर कुछ प्रश्न को डील करने वाले थे, वो एक रिकॉर्डेड शेड्यूल के तौर पर आपको दिया गया है, और उसके बाद वाला जो दिन है उसमें लाइव सेशन है, बट अगले दोनों ही सेशंस अब लाइव होंगे। ठीक है, लास्ट का लाइव सेशन यानी परसों का सेशन तो लाइव होगा ही, कल का भी जो सेशन होगा वो लाइव होगा। तो आप तैयार रहें, जो भी शेड्यूल में टॉपिक हैं उसको प्रिपेयर करके रखें, और कल आंसर देने के लिए आप पूरी तरह से तैयार होकर आएंगे। ठीक, तो कल का सेशन भी होगा लाइव। फिलहाल आज हम मूव ऑन करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के पहले प्रश्न पर। पढ़े प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? वित्त आयोग, नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, निर्वाचन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बताइए, सवाल यही है कि ये इनमें से कौन सी संवैधानिक इकाई है, इसलिए मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया नहीं आपको ताकि आप इस प्रश्न के जरिए स्वयं एनालाइज करें। बताइए, क्या वित्त आयोग है? जी हाँ है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है और इसलिए संविधान के द्वारा सृजित एक इकाई है। दूसरा, नीति आयोग? जी नहीं। 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। एक संसदीय प्रक्रिया के तहत नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस किया है, और योजना आयोग और नीति आयोग दोनों ही गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखें। ठीक, तीसरा, क्षेत्रीय परिषद। हमने लाइव सेशन में देखा था क्षेत्रीय परिषद क्या है, और उसमें आपको बताया था मैंने कि ये भी गैर संवैधानिक निकाय है क्योंकि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही बना था, ना कि संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत। ठीक, राष्ट्र विकास परिषद? बिल्कुल नहीं। NDC भी सन 1952 में योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम अनुमति या अंतिम सहमति देने के लिए या उसका एक फाइनल एनालिसिस करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, NDC या राष्ट्र विकास परिषद, जिसका जो चीफ होता है वो प्रधानमंत्री होता है भारत का, वो सन 1952 में एक संसदीय प्रक्रिया के तहत बना था, ना कि किसी संविधान के अनुच्छेद के तहत। ठीक, इस वजह से राष्ट्र विकास परिषद भी नहीं होगा। उसके बाद आता है निर्वाचन आयोग। क्या ये संविधान की इकाई है? बिल्कुल है, क्योंकि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है, और 324 से 329 का जो है इसमें पूरे निर्वाचन आयोग का संरचना, संगठन और उसके कार्यों का विवरण दिया हुआ है। तो क्योंकि संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में सब कुछ लिखा गया है, इस वजह से निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक इकाई है। ठीक, उसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, क्या ये है? जी नहीं, इसका कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिर्फ पहला और पांचवा जो है उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, और इस तरह से हमारा आंसर होता है बी, 1 और 5। ठीक, अब समझ में आई बात। संविधान के किसी विभाग में किसी भी अनुच्छेद के तहत यदि कोई संगठन का निर्माण हुआ है तो संवैधानिक निकाय, यदि सामान्य संसदीय प्रक्रिया से किसी अधिनियम के तहत हुआ है तो फिर वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है या एक विधिक इकाई कहलाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ें, वित्त आयोग का गठन
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये फाइनेंस कमीशन जो अभी अभी हमने देखा था ना, आर्टिकल 280 में दिया गया है फाइनेंस कमीशन, उससे संबंधित कुछ कथन है और आपको सत्य कथन को पहचानना है कौन सा करेक्ट है। केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का निर्णय लेने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशों को राष्ट्रपति के समक्ष रखता है। संविधान के अनुसार आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होती है। बताइए तो कौन सा सही कौन सा गलत। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? आपको लगेगा कि वित्त आयोग का तो काम ही यही है, तो पहले समझिए कि वित्त आयोग क्या है। अनुच्छेद 280 में एक आयोग का उल्लेख है जिसका नाम है वित्त आयोग, और ये जो वित्त आयोग है इसका मुख्य कार्य है केंद्र सरकार द्वारा जितने भी कर आरोपित होते हैं, खास तौर पे उस प्रकार के कर जो केंद्र द्वारा आरोपित किए जाते हैं, केंद्र द्वारा वसूले जाते हैं और केंद्र और राज्यों के मध्य बंटते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 370 के तहत आयकर, इनकम टैक्स। ठीक है, तो जितने भी ऐसे कर आरोपित किए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा और वसूले भी केंद्र सरकार द्वारा जाते हैं, पर उन्हें केंद्र और राज्यों के बीच में उन पैसों को बांटना पड़ता है। मतलब जो भी कर वसूली केंद्र सरकार ने वो अकेले खुद नहीं रखेगी, उन पैसों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में होगा। तो ये जो पैसों का बंटवारा है, यानी कर से आय जो हुई उसके राजस्व का जो बंटवारा केंद्र राज्य के बीच में होगा, वो किस आधार पर होगा, कितना केंद्र रखेगी कितना राज्य रखेगी, इसके लिए सिफारिश फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग देता है। ठीक है, इसका काम ही यही है, केंद्र राज्यों के बीच में करों का जो बंटवारा है उसके लिए सिफारिश देना, उसके लिए योजना बनाना। ठीक, तो जो मैंने अभी इसका कार्य बताया उस हिसाब से तो आपको स्टेटमेंट फर्स्ट सही लग रहा होगा, पर ये गलत इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ सिफारिश देता है, निर्णय नहीं लेता। ठीक, और स्टेटमेंट में साफ लिखा है कि मध्य राजस्व बंटवारे का निर्णय लेता है। तो छोटे छोटे से शब्द होते हैं जो आपके उत्तर को सही या गलत बना सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप सॉल्व करिए। बारीकियों से पूछता है ये क्वेश्चंस को, और बारीकियों से आपको पढ़कर केयरफुली आंसर देना होता है। ठीक है, तो निर्णय तो सरकार ही लेती है, केंद्र सरकार, पर सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग। ठीक, तो इस वजह से ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, वित्त आयोग अपनी सिफारिशों को राष्ट्रपति के समक्ष रखता है, ये बिल्कुल सही। दूसरे, सभी संवैधानिक आयोगों के जैसे ही जो भी रिपोर्ट ये आयोग बनाता है या जो भी सिफारिशें ये आयोग फाइनली बनाता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद तक पहुंचाता है। राष्ट्रपति हमेशा एक औपचारिक भूमिका में रहता है सभी संवैधानिक निकायों में। जितने भी संवैधानिक निकाय हैं वो सभी अपनी अंतिम रिपोर्ट, जो वार्षिक अंतिम रिपोर्ट होती है, वो राष्ट्रपति को ही सौंपती है और राष्ट्रपति फिर उसे संसद को सौंपता है। ठीक, तो उसी तरह से वित्त आयोग भी राष्ट्रपति के समक्ष अपनी सिफारिशों को रखता है और राष्ट्रपति के जरिए ही ये सरकार या संसद की तरफ जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही। ठीक, अगले कथन को देखिए। संविधान के अनुसार आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी। क्या ऐसा है? नहीं है, दिस इज रॉन्ग। संवैधानिक प्रावधान तो ये कहता है कि इसका जो रोल होगा फाइनेंस कमीशन का वो सिर्फ सलाहकार रोल होगा, यानी इसकी भूमिका केवल सलाहकार भूमिका होगी, इसकी जो सिफारिशें होंगी इसकी जो सलाह होगी वो बात नहीं होगी। सरकार उसकी सलाह को चाहे तो माने चाहे तो ना माने, लेकिन जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेकर अब तक एक ट्रेंड बन गया है, एक आप कह सकते पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बन गया है कि इट इज नियरली बाइंडिंग। वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती है उसे सरकार मानती ही है, हालांकि ओरिजिनल संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता या इस चीज के लिए बाध्य नहीं करता सरकार। ठीक है, तो याद रखिए बाध्य नहीं है जबकि इसमें लिखा है बाध्य हो। ठीक, इस वजह से ये वाला जो कथन है वो गलत है और इस हिसाब से हमारा सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। आपको सत्य कथन पहचानना है तो इसलिए आपका आंसर होगा सी, केवल दो सत्य है। ठीक, आई होप आपको वित्त आयोग के बारे में समझ में आया होगा। 280 में वित्त आयोग है, कार्य आपको बता दिया मैंने। इसमें कुल मिलाकर के 5 सदस्य होते हैं जिसमें से एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इन 5ों को हर 5 वर्ष में भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मतलब वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति द्वारा ये सभी सदस्य जो हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन होता है, वो कोई भी सामान्य विभाग से हो सकता है, लेकिन बाकी के जो 4 इसके सदस्य हैं उनके लिए कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी संविधान में दी गई है, जैसे कि कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट होना चाहिए, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपर्ट होना चाहिए। इस चीज़ को भी आप याद करेंगे जब वित्त आयोग पढ़ेंगे।
ठीक। साथ ही साथ जब आप ये टॉपिक को पढ़ें तो जितनी चीजें मैंने बताई, चाहे उनका टर्म हो, चाहे उनके मेंबर्स हो, चाहे उसका अनुच्छेद हो, चाहे उनके कार्य हो, उसके अलावा वित्त आयोग जब से स्थापित हुआ तब से लेकर अब तक के जितने आपके इसके अध्यक्ष हैं उनको कोशिश करें कि याद करें, ठीक है। खासतौर पे शुरुआत के 5-7 अध्यक्षों के नाम तो आप जरूर याद रखिए, वर्तमान की शुरुआत के 5-7 जरूर याद रखिए, और अभी के जो अध्यक्ष हैं और अभी से पहले जो 4-5 हैं उसे याद रखिए, नहीं रिसेंट के 5 और शुरू के 5 आप अध्यक्षों को जरूर याद रखिए, उसमें से कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक। तो ये था वित्त आयोग 280 संवैधानिक इकाई है और इसका मेन काम है कर राजस्व का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में जो होता है उसके लिए योजना बनाना और सिफारिश देना सरकार, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। मूव ऑन करते हैं हम अगले प्रश्न पर। असत्य कथन को पहचानना है आपको और ये कथन निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है। असत्य कथन को पहचानना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। बताएं तो भाई कौन सा सही कौन सा गलत। अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न क्रमांक 1 में हमने देखा कि आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का उल्लेख है और 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोग की पूरी प्रक्रिया, संरचना, संगठन सभी चीजों का उल्लेख है भाग 15 में, ठीक। तो बताइए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उससे संबंधित कौन से कथन सही कौन से गलत। तो पहला देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सही या गलत? सही, ठीक। ज्यादातर जितने केंद्रीय स्तर के संवैधानिक निकाय हैं उनके जो प्रमुख होते हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल की आयु ही होता है, याद रखिएगा इस चीज को। ज्यादातर एक्सेप्शन सर्वे, ठीक, ज्यादातर में 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले अचीव हुआ उसके बाद वो लोग रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से पहला कथन सही है, ना सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त बल्कि जो बाकी दूसरे निर्वाचन आयुक्त होते हैं उन सब के लिए भी जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, ठीक। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही। भारत के राष्ट्रपति और अन्य कुछ केंद्रीय स्तर के महत्वपूर्ण पदों के जैसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी कार्यकाल की सुरक्षा मिली है। कार्यकाल की सुरक्षा मिली इसका मतलब ये कि 6 वर्ष का इसका कार्यकाल जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है। इन 6 वर्षों में इन्हें हटाया जाना काफी मुश्किल प्रक्रिया है, मतलब इन्हें हटाने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, तब जाके हटेंगे और वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है महाभियोग। यदि आपने राष्ट्रपति का महाभियोग पढ़ा है तो आप ये जानते ही होंगे कि महाभियोग कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसमें जो बहुमत दोनों सदनों में चाहिए रहता है ना, 2/3 बहुमत चाहिए रहता है, वो कितना ज्यादा हाई रिक्वायरमेंट है। सदन के ज्यादातर लोगों का एक मत होना, वो भी दोनों सदनों के ज्यादातर लोगों का एक मत होना, भारत जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम वाले देश में तो करीब करीब नामुमकिन है। और इसलिए आप जानते ही होंगे कि भारत में कभी कोई भी महाभियोग द्वारा हटाए नहीं, कभी कोई नहीं, चार्जेस वगैरह लगे पर कभी हटाए नहीं गया, ठीक है। तो ध्यान में रखिए कि इनको भी हटाने के लिए महाअभियोग जैसी एक प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, ठीक। अब महाअभियोग द्वारा हटाया जाता है मतलब महाअभियोग जैसी एक प्रक्रिया, ठीक है। तो इसको आपको करेक्टली लेना है, ध्यान ये रखिएगा कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, इसका मतलब ये कि इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है इनको हटाए जाने की, वो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग के लिए रिक्वायरमेंट होती है उससे थोड़ी कम होती है। जैसे राष्ट्रपति को जब हटाया जाना रहता है तो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए रहता है, ठीक है। ये आपको बताया था मैंने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में। लेकिन अगर इनको हटाना है या सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है, तब फिर जो प्रक्रिया होती है केंद्रीय संसद में इनको हटाए जाने की महाभियोग जैसी, उसमें ऐसा रहता है कि एक तरह का विशेष बहुमत होता है जिसको हम कहते हैं 2/3 ऑफ प्रेजेंट प्लस 50% ऑफ टोटल, ठीक है। तो ये विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है जिसके जरिए इनको हटाया जा सकता है, समझिए। मान लीजिए किसी सदन में कुल 150 सीट, ठीक है, 150 लिखा है, और उस दिन जो लोग मतदान कर रहे हैं जिस दिन इनके खिलाफ महाभियोग आ रहा है उस दिन आए हैं 100 लोग, कुल 150 है, आए हैं 100 लोग,
तो अगर हमको ये डिसाइड करना हो कि फिर बताएं कि इस बिल को पारित करने के लिए कितना न्यूनतम वोट चाहिए या कैसा बहुमत होना चाहिए, तो कुल मतों का 50%, कुल मतों का 50% मतलब 75, ठीक। और जो मतदान करने आए हैं लोग उनका कम से कम दो तिहाई का मतलब क्या हुआ, 66.66 पर दो तिहाई कम से कम की बात हो रही है, तो 67 हम लेंगे। इन दोनों में से जो बड़ा आंकड़ा है 75 और 67 में से जो बड़ा आंकड़ा है वो है 75, क्योंकि 75 दोनों को सेटिस्फाई करता है। 75 जो है वो कुल सीटों का 50% भी है, और जितने लोग 100 लोग आए हैं उसका दो तिहाई से भी ज्यादा है, है ना। तो ये दो तिहाई वाला क्राइटेरिया भी 75 का आंकड़ा पूरा करता है, और ये 50% 50 का भी आंकड़ा 75 वाला पूरा करता है। तो इस हिसाब से उस दिन 75 लोगों की कम से कम सहमति मिलनी चाहिए, तब जाके महाभियोग पारित होगा, ठीक है। तो ये मैंने एक शॉर्ट में बताई कि इनको भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, क्योंकि इनको कार्यकाल की सुरक्षा मिली है अन्य सर्वोच्च न्यायालय के और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जैसे राष्ट्रपति की जैसे, तो इसलिए ये कथन सही है। तीसरे कथन पर आते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, गलत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब उन सभी पदों के लिए ऐसा कथन यूज किया जाता है जिन पदों को कार्यकाल की सुरक्षा नहीं मिली, जैसे कि भारत का महान्यायवादी होता है, जैसे कि राज्य के राज्यपाल होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा नहीं मिली, वो उनका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकता है, है ना। तो क्या मुख्य निर्वाचन आयोग भी ऐसा है? नहीं, अभी तो हमने देखा ना कार्यकाल की सुरक्षा मिली है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। मुख्य निर्वाचन आयोग राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, ये भी गलत है। इस वजह से थर्ड और फोर्थ गलत है, और आपका आंसर होगा डी, क्योंकि आपको असत्य कथन पूछा है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया हो। हम मूव करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नौकरी का पात्र नहीं हो सकता। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त किया जा सकता है। इन चारों में आपको सत्य कथन को पहचानना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा इसमें। तो ये किससे संबंधित है? यूपीएससी। तो देखिए, यूपीएससी से संबंधित सभी बातें संविधान का जो भाग 14 है उसमें अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में बताई गई, ठीक है। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख 315 से 323 के बीच में है, और उसी से संबंधित ये प्रश्न है। यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, ये एक तरह की केंद्र और राज्य स्तर की रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो विभिन्न केंद्र और राज्य स्तर की जो सेवाएं होती हैं, सरकारी सेवाएं, चाहे वो केंद्र सेवाएं होती है चाहे राज्य सेवाएं, उनके लिए रिक्रूटमेंट करती है, उनके लिए भर्ती करने की प्रक्रिया को पूर्ण करती है, चाहे वो एग्जाम के जरिए हो, चाहे वो इंटरव्यू के जरिए हो, चाहे वो डायरेक्ट सिलेक्शन के जरिए हो। यूपीएससी और स्टेट पीएससी, केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र के लिए यूपीएससी और राज्य के लिए स्टेट पीएससी, दोनों के लिए भर्ती प्रक्रिया जो होती है पब्लिक सर्विसेज में, उसका काम करती है मेनली, ठीक। तो ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी का कार्य है। अब एक के बाद हम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम इस पर आगे आएंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि एक संवैधानिक निकाय है, तो ज्यादातर संवैधानिक निकायों की जो अध्यक्ष और सदस्य उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सही कथन है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष हो सकता है। अभी इसके पहले वाले वीडियो में ही आपको बताया मैंने कि जितने संवैधानिक निकाय हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं, ज्यादातर लोगों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है, तो ये भी सही है। याद रखिएगा, यूपीएससी में और स्टेट पीएससी में दोनों में 9 to 11 मेंबर्स होते हैं। अभी यूपीएससी की बात करते हैं, स्टेट पीएससी की बात नहीं करते। 9 से 11 सदस्य होते हैं, जिसका एक अध्यक्ष भी होता है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और जो अध्यक्ष होता है वो जो टर्म होता है उसका कार्यकाल वो होता है 6 साल, या सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। इन दोनों में से पहले वो जिस भी टाइम पीरियड को कंप्लीट कर ले वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से 11 सदस्य होते हैं, 6 साल या 65 साल सेवानिवृत्ति, ठीक।
तो ये स्टेटमेंट भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नौकरी का पात्र नहीं हो सकता है। बताइए सही या गलत। ये सही है। ठीक, यूपीएससी के क्लॉजेस में लिखा हुआ है कि यदि मान लीजिए कोई अध्यक्ष है तो वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ने वरिता क्रम में एक जगह पर आता है, इस वजह से उसको फिर बाद में पेंशन मिलती है। इसलिए यदि वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेता तो भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन वो किसी भी नौकरी का पात्र नहीं होता। ये सही है। ठीक है, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद पूरा नियुक्त किए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फोर्थ वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी तीनों सही है, और इसलिए हमारा आंसर होगा बी, 1, 2 एंड 3। ठीक, समझ में आई बात। तो यूपीएससी के बारे में देखें, मेरे मोबाइल कोर्स में मैंने जितने भी संवैधानिक निकाय हैं ना उनको एक कंपैरेटिव तरीके से बताया, मेंस के लिए नहीं, पर प्रीलिम्स के लिए खासतौर पे एक उसमें एक वीडियो रहेगा, आप अगर खरीदेंगे उसमें आपको मिलेगा कि जितने भी आपके संवैधानिक निकाय हैं उनमें कॉमन कॉमन सी चीज़ें आपको पढ़नी रहती है, कौन नियुक्त करता है, कब रिटायर होते हैं, कितना टर्म होता है, कब क्या कार्य होता है, कौन सा अनुच्छेद, तो सेम सी बातें आपको पढ़नी रहती है। जो बातें आपको निर्वाचन आयोग के लिए पढ़नी है करीब करीब वही बातें यूपीएससी के लिए पढ़नी है, वही बातें एसपीएससी के लिए पढ़नी है। तो आप एक कंपैरेटिव टेबल के जरिए से आप बना सकते हैं, आप मोबाइल कोर्स में भी देख सकते हैं, आप खुद भी उसे बना सकते हैं पीडीएफ या बुक को देख करके, क्योंकि 7-8 तरह के ही पॉइंट्स होते हैं जिस पर से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, इस्तीफा, टर्म, यही सारी चीजें रहती है और कुछ। ठीक, तो ये हो गया संघ लोक सेवा आयोग। अब प्रश्न क्रमांक 5 में जाते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की स्थापना अनुच्छेद 248 में की गई, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष का होता है, अपना पद छोड़ने के बाद ये भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते। तो ये क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रश्न है। जो भारत में संसद की जो राजकोष होती है, संचित निधि, उसका लेखा जोखा रखने वाला भारत का सर्वोच्च लेखा अधिकारी होता है। ठीक, उससे संबंधित कुछ कथन दिए हैं, तो बताइए कि इसमें से सत्य कौन सा है। इसका आंसर होगा बी, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि कैग का उल्लेख 248 में नहीं 148 में है। ठीक है, तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया ये भी केंद्रीय स्तर का एक महत्वपूर्ण अधिकारी, शीर्षस्थ अधिकारी है, इसका भी जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होगी, 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज, और इसमें लिखा है 5 वर्ष या 62 वर्ष, इसलिए गलत है। ठीक, उसके अलावा लास्ट इसलिए गलत है कि अपना पद छोड़ने के बाद ही भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई अन्य पद धारण कर सकता है, नहीं, जैसे अभी आपने यूपीएससी की चेयरमैन के लिए देखा ना, वैसे इसके लिए भी है कि कोई पद और धारण नहीं कर सकता जब भी अपने पद को छोड़ देता है। ठीक है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट गलत है, आपका सिर्फ स्टेटमेंट नंबर बी सही है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण केंद्रीय स्तर का संवैधानिक पद है इसलिए इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, पर ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये सरकार के कहने पर ही नियुक्ति करता है कैग की। कैग कौन होता है, भारत का सर्वोच्च लेखा अधिकारी, जो संचित निधि से पैसे निकलते हैं, जो संचित निधि में पैसे जमा होते हैं उसका वार्षिक लेखा जोखा ये बनाता है और फिर अपनी ये रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को पेश करता है, फिर प्रेसिडेंट इन टर्न उस रिपोर्ट को संसद को पेश करता है। ठीक, और संसद में जो पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी होती है, ठीक, संसदीय लेखा समिति जो होती है वो उसका एनालिसिस करके देखती है कि कितने पैसे सही तरीके से निकले कितने नहीं। ठीक, ये मेन काम है। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, महान्यायवादी। ठीक, तो ये महान्यायवादी से संबंधित प्रश्न है, यानी कि अटॉर्नी जनरल, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है और ये भारत का सबसे ऊंचा यानी कि सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का। ठीक, ये जो महान्यायवादी होता है वो केंद्र सरकार के वकील के रूप में काम करता है। ठीक, हालांकि एक संवैधानिक पद है पर आप ये मान के चलिए कि इसका जो चयन होता है कहीं ना कहीं सरकार ऐसे व्यक्ति को चुनवाती है, आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करवाती है राष्ट्रपति के द्वारा,
जो केंद्र सरकार के करीबी वकीलों में से कोई है। ठीक, महान्यायवादी बनने के लिए आप जानते ही होंगे कि एक तरह से इनकी जो क्वालिफिकेशंस होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन होती है। मतलब यदि कोई व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर जाता है तो उसके लिए भी वही क्वालिफिकेशन मेंशन है जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए। ठीक, 5 साल 10 साल वाला जो क्वालिफिकेशन हमने यूज किया था, तो ऐसा कोई ना कोई बड़ा वकील ही होता है जो इस पद पर आता है, और कहीं ना कहीं सरकार अपने किसी विश्वसनीय वकील को इस पद पर लाती है राष्ट्रपति को बोलकर। तो ये केंद्र सरकार के वकील के तौर पर कार्य करता है, अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। ठीक, तो भारत के किसी भी न्यायालय में इसको शामिल होने का अधिकार है, और साथ ही साथ संसदीय प्रक्रिया में भी बिना वोट डाले ये संसदीय प्रक्रियाओं में भी भाग ले सकता है। एकलौता ऐसा अधिकारी, ध्यान रखना इस बात को, कई बार पूछता है, महान्यायवादी एकलौता ऐसा अधिकारी होता है जो संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है। हालांकि संसदीय किसी विधेयक पर वोट डालने का अधिकार नहीं होता, पर संसदीय कार्रवाई में ये हिस्सा जरूर ले सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें महान्यायवादी के बारे में। अब संबंधित कथनों को देखते हैं, आपको सत्य कथन को पहचानना है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जी हाँ बिल्कुल, ये केंद्र स्तर का महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, सही कथन है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, बिल्कुल सही, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, संविधान ने कोई कार्यकाल निश्चित नहीं किया है। इसका मतलब कि इसका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, इसका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले बोला ना मैंने, राज्यपाल महान्यायवादी जैसा, ये भी राज्यपाल के जैसे, वैसे तो 5 साल के लिए आता है, निश्चित नहीं है, बट संविधान ये कहता है, देखो वैसे तो 5 साल के लिए आता है, पर वो 5 साल वाली बात संविधान में नहीं। ठीक, उसमें ये कहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी राष्ट्रपति कभी भी इसे हटा सकता है। और जनरली जब भी सत्ता परिवर्तन होती है, जब भी कोई नई सरकार आती है, तब वो अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इस पद पर लाना चाहती है, तो पुराना अटर्नी जनरल भले उसको आए हुए 1 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, प्रेसिडेंट उसे हटा देता है नई सरकार के कहने पर, और नया व्यक्ति जो है वो अटर्नी जनरल बन जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, पहले तीनों सही है। यदि मंत्रिपरिषद त्याग दे दे या भंग हो जाए तो महान्यायवादी का भी त्याग पत्र देना पड़ता है, नहीं ये देना पड़ता है, यहाँ पे गलत कर दिया, बदला जाता है केंद्र के कहने पे, तो बात सही है, पर ये त्याग पत्र देना पड़ता है, ऐसे कहीं पे भी संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि नॉर्मली सत्ता परिवर्तन होने से महान्यायवादी बदल जाता है, वही सरकार दोबारा गई तो नहीं भी बदलता। ठीक, सरकार भंग होने से त्याग पत्र नहीं देना पड़ता, ये कथन गलत है। इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा सत्य है, तो बताइए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा, केवल दो, केवल एक दो, उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी तो सत्य नहीं है, इसलिए आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब दिए गए ऑप्शंस में से कोई नहीं, क्योंकि हमारा सिर्फ फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो सही। ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते, ध्यान रखना। ठीक, इनमें से कोई नहीं का मतलब ये नहीं है कि इनमें से कुछ भी कथन सत्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं का यहाँ मतलब निकल रहा है कि दिए गए बाकी ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि एकलौता जो सत्य कथन है वो है फोर्थ वाला, तो आपका कोई ऑप्शन होना चाहिए था केवल 4। ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको डी ऑप्शन चुनना होगा, इनमें से कोई नहीं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर नहीं। ठीक, तो ऐसे कन्फ्यूजन से आप बाहर आए, प्रॉपरली समझें कि उसका क्या तात्पर्य है जो उत्तर आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका महान्यायवादी। अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं, 7th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राज्य लोक सेवाएं, तो भाई ये स्टेट पीएससी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, और 315 से 323 के बीच में इनके बारे में भी दिया गया है, और जो कुछ मैंने यूपीएससी के बारे में बताया केंद्रीय स्तर पर, वही सारी चीजें स्टेट लेवल पर आपको स्टेट पीएससी के बारे में जाननी है, वही कार्य जो यूपीएससी केंद्र स्तर पर करता है, केंद्र स्तर के कर्मचारियों की नियुक्ति, वही कार्य स्टेट पीएससी राज्य स्तर की शीर्षस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति का कार्य करता है। जैसे उसमें 9 से 11 मेंबर होते हैं, इसमें भी 9 से 11 मेंबर होते हैं, जैसे उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, राज्य स्तर पर इसको भी गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, ये कुछ बातें एसपीएससी के बारे में, अब बाकी की चीजें इससे देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, अभी मैंने कहा बिल्कुल सही, इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ये गलत है, क्योंकि ये भी एक संवैधानिक पद है, इसलिए इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष। यहाँ पे ना केंद्र और राज्य में फर्क अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि यदि वो संवैधानिक पद है तो 6 वर्ष तो होगा उनका कार्यकाल ज्यादातर किस केस में,
लेकिन अगर वो केंद्रीय स्तर के संवैधानिक पद है तो उनकी रिटायरमेंट एज 65 वर्ष होगी और राज्य स्तर के हैं तो 62 वर्ष। जैसे सर्वोच्च न्यायालय को देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 65 है और राज्य स्तर की क्या है 62। ठीक है, तो वैसे तो याद रखिएगा राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ना कि 5 वर्ष। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक, उसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। राज्यपाल किसी भी कदाचार के मामले पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटा सकता है। सही या गलत? गलत। बात को अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है, नोट करें इस चीज को। राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति भले ही राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन उन सदस्यों को पद से हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। पद में नियुक्त करता है राज्यपाल पर इन्हें पद से हटाता है राष्ट्रपति, ना कि राज्यपाल। ठीक है, तो पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अपने कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अध्यक्ष कभी भी अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंप सकता है। बिल्कुल सही, त्याग पत्र राज्यपाल को ही सौंपा जाता है। ये सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को ही सौंपते हैं, पर जब सदस्यों को हटाना रहता है तो राष्ट्रपति हटाता है। तो इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो हमारा पहला सही है और चौथा सही है, पर आपको यहाँ पर असत्य कथन पहचानना है, मतलब दूसरा और तीसरा सत्य है, और इस तरह से आपका आंसर सी हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, आई होप आपको स्टेट बी सी क्लियर होगा। ठीक, मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 8। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है? बताएं, नीति आयोग, वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, महान्यायवादी। यहाँ को सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होगा वो इन तीनों में होगा। जब ही राज्यों को कोई अनुदान दिया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि वित्त मंत्रालय बजट बजट बनाती है तो आपको लगता होगा वित्त मंत्रालय, नीति आयोग योजनाएं बनाती है राज्यों के तो लगता होगा योजना, बट इसका आंसर है वित्त आयोग। देखो, अनुदान कई प्रकार के होते हैं, वैधानिक अनुदान होते हैं, विवेकाधीन अनुदान होते हैं। ठीक, तो ये जो विवेकाधीन अनुदान होते हैं ना वो योजना आयोग की सिफारिश पर होते हैं, पर जो विधिक अनुदान होते हैं, जो लीगली राज्यों का हक बनता है जैसे अनुदानों पर, राज्यों के लिए जो केंद्र सरकार का फर्ज बनता है उन्हें देना, वो वित्त आयोग ही कहता है। ठीक है, मैंने कहा ना उनकी सलाह करीब करीब बाइंडिंग होती है, हालांकि संविधान नहीं कहता, पर फिर वित्त आयोग जो बोलेगा तो कहीं ना कहीं सरकार को मानना पड़ता है। तो राज्य सरकारों को जब अनुदान विधिक रूप से दिया जाना रहता है तो वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है, ना कि नीति आयोग, योजना आयोग या वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर। ठीक है, विधेयक भले वित्त मंत्रालय का कोई व्यक्ति लाएगा, ठीक, लेकिन सिफारिश, योजना, कितना अनुदान किस हिसाब से दिया जाएगा वो कौन बताएगा? वित्त आयोग बताएगा। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी, वित्त आयोग। अगले प्रश्न को देखते हैं, 9th क्वेश्चन। लोकसभा चुनाव लड़ रहे किसी निर्दलीय उम्मीदवार का निधन मतदान के पूर्व हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मान लीजिए 3-4 लोग किसी लोकसभा की एक सीट पर खड़े हैं, ठीक है, एक सीट के लिए खड़े हैं, अलग अलग पार्टी के हैं, कोई निर्दलीय है, कोई किसी पार्टी से, मान लीजिए 5 लोग हैं, 1-2 निर्दलीय, 2-3 पार्टी से, और लोकसभा का चुनाव के लिए वो 5 लोग खड़े हैं एक सीट के लिए, और उनमें से एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, किसी निर्दलीय उम्मीदवार की डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होगा? ये कथनों में से आपको चुनना है। उस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव निरस्त कर दिया जाएगा, उस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 3 तारीख से आगे बढ़ा दिया जाएगा, उस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 3 तारीख पर ही होगा, वैकल्पिक उम्मीदवार ढूंढने के लिए 7 दिनों का समय दिया जाएगा। क्या होगा आंसर? ये होगा, उस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 3 तारीख पर ही होगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। भारत में निर्वाचन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, बहुत ही कॉस्टली प्रक्रिया है, इसमें बहुत पैसा जाता है सरकार का, तो इसमें यदि कोई उम्मीदवार की मृत्यु भी हो जाए तो चुनाव को टाला नहीं जाता, 3 तारीख पर ही वो चुनाव होगा, बाकी बचे उम्मीदवारों के बीच में। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान में रखिए, पीएससी भी अपन ने कई बार इस प्रश्न को अलग अलग तरीकों से पूछा है। ठीक है, तो निर्दलीय उम्मीदवार है, वैसे भी उसमें कोई निर्दलीय है, तो यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो और भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3 तारीख पर ही चुनाव होगा। ठीक, तो ये है 9th क्वेश्चन, और अब हम मूव ऑन करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। महाधिवक्ता को वकालत या न्यायिक सेवा का कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? ये क्वेश्चन महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये भी एक संवैधानिक इकाई है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है।
जो कार्य महान्यायवादी का केंद्रीय स्तर पर होता है वही कार्य महाधिवक्ता का राज्य स्तर पर। तो जो भी बातें अभी थोड़ी देर पहले मैंने महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के बारे में बताई थी केंद्रीय स्तर की, वही सारी बातें राज्य स्तर की। राज्य सरकार का वकील होता है, राज्य सरकार की तरफ से कोई भी न्यायालय में प्रस्तुत होता है, राज्य विधान मंडल जो होता है या राज्य विधानसभा उसकी जो बैठकें होती है उसमें शामिल हो सकता है और इसके पास वोट डालने का, इन्हें राज्य की विधायिका में किसी विधेयक पर वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन बैठक में शामिल हो सकता है। ठीक, तो 165 में उसका उल्लेख है। अब इसकी क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। महान्यायवादी को आपको बताया था मैंने कि उच्चतम न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो क्वालिफिकेशन लिखी है वो महान्यायवादी वाले उम्मीदवार में होनी चाहिए। वैसे ही राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसके किसी न्यायाधीश की जो भी क्वालिफिकेशन होती है वो महाधिवक्ता के कैंडिडेट में होनी चाहिए। तो उसमें क्या था, उसको वकालत का ही किसी न्यायिक सेवा का अनुभव होना चाहिए, हमने पढ़ा था हाईकोर्ट में, है ना। तो वही चीज महाधिवक्ता के लिए भी है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि कितने वर्ष का अनुभव, 10, 5, 7 या 14, कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आंसर इज 10। ठीक है, ये आप चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए बोल लें या राज्य के महाधिवक्ता के लिए बोल लें, उसको जो वकालत का अनुभव होना चाहिए या न्यायिक सर्विस में जो अनुभव होना चाहिए कम से कम 10 साल का होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, छोटा सेशन था क्योंकि हमें सिर्फ जो तथ्यात्मक चीज़ें उनको देखना था। मैंने एक प्रश्न में बहुत सारे स्टेटमेंट्स इसलिए रखे थे ताकि उस इकाई के बारे में जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। इससे संबंधित और प्रश्न आप हल करिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए और कल शाम 6 बजे लाइव के लिए तैयार रहिए। आपके शेड्यूल में जो टॉपिक दिया गया है उसी पर लाइव होगा और परसों का जो पहले से लाइव शेड्यूल है वो तो होगा ही। तो अगले दोनों जो पॉलिटी के आखिरी के 2 सेशंस होंगे वो लाइव होंगे। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।